Dynamics for UPTGT and PGT Mathematics and RPSC Second Grade Mathematics का टीचर मैथ का वीडियो नंबर है 14। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे बैग वेपन करंट पर ही क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी तब स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की कुछ दूरी अचर त्वरण से तय करती है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी, मान लो ये स्टेशन है, यहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी अचर त्वरण से तय करती है, यानी कि इसका जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी अचर त्वरण से स्टार्टिंग करती है, तब भाप बंद हो जाती है, ठीक है, तथा ब्रेक लगा दिए जाते हैं, और शेष दूरी एफ डैश मंदन से तय करती है। ठीक है, जो शेष दूरी है वो एफ डैश मंदन से तय करती है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की कुछ दूरी एफ त्वरण से तय करती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टेशन ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, तो कुछ दूरी यानी कि इसको बी सी पॉइंट कह दें, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी त्वरण एफ से तय करी। ठीक है, अचर त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तय की। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या होगा, समान स्पीड रहा होगा, यानी कि बेग में चेंज नहीं रहा होगा। ठीक है ना, एक समान त्वरण से स्टार्टिंग कर रही है। तो अब यहाँ पे जो उसके बाद यहाँ पे जो है भाप बंद हो जा रही है, भाप बंद होने के बाद एक समान मंदन यानी निगेटिव का होगा, मंदन यानी रिटार्डेशन माइनस एफ डैश से तय करती है। यहाँ पे ब्रेक लगाने शुरू किए ताकि स्टेशन पर पहुँच जाए। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ए है, स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच की दूरी ए है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में जो टाइम लगा है, टोटल टाइम t = ये हमको प्रूव करना है 2a f प्लस का एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश। ठीक है, a से b तक पहुंचने में जो टाइम है वो इतना लगेगा, यानी कि इतना समय लगेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की कुछ दूरी अचर त्वरण f से तय करती है, तथा भाप बंद हो जाती है, तब ब्रेक लगा दिए जाते हैं, और शेष दूरी माइनस का वो एफ डैश मंदन से तय करती है। ठीक है, मंदन यानी कि माइनस एफ डैश हो जाएगा से तय करती है। तभी यदि स्टेशनों के बीच की दूरी ए है, तो सिद्ध करना करो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो इतना होगा। ठीक है, ये होगी इसकी कंडीशंस। अब बात आती है कि एक पार्ट ये, इसमें टाइम हम t1 मान ले रहे हैं, और दूसरा पार्ट है इसमें टाइम t2 मान ले रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट इसके कर लिए हैं। पहले वाला पार्ट में अचर त्वरण से चल रही है, और दूसरे वाले पार्ट में अचर मंदन से चल रही है। ठीक है, अचर त्वरण से, दूसरे में अचर मंदन से। तो अचर त्वरण में यहाँ से इनिशियली में स्टार्टिंग में वेग, प्रारंभिक वेग जीरो रहा होगा, जीरो से चलना प्रारंभ किया होगा। यहाँ पे सपोज वेग भी आ गया, उसके बाद मंदित होना शुरू हुई यानी कि ब्रेक लगाना शुरू किया, और यहाँ पे जो बेग आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, तब इस स्टेशन पे रुकेगी। रुकने का मतलब है बेग शून्य हो जाना। ठीक है, अब बात आती है ए से सी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे b = u + ft से। ठीक है, यानी कि बी अंतिम बेग बी है सी पर, और इनिशियली बेग जीरो रहा होगा, त्वरण एफ है, टाइम रहा t1। ठीक है, दैन t1 = होगा b/f, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एंड c से b तक के लेंगे, v = u + ft का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंतिम वेग शून्य रहा होगा, u की जगह रहा होगा b, और ये रहा होगा माइनस का f डैश। ठीक है, और टाइम होगा t2, तो b = हो जाएगा f डैश t2, t2 = होगा b/f, इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि कुल समय जो ये है, यदि उसके बीच की जो दूरी है वो उन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो स्टेशनों की जो बीच की दूरी है वो क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमको क्या होगा,
कुल दूरी कितनी दे रखी है? ए, हाँ, कुल दूरी यदि स्टेशनों के बीच की दूरी ए, ए नहीं, आंसर में 2A अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो स्टेशनों के बीच की दूरी 2A होनी चाहिए। अगर ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में स्टेशन के बीच की दूरी ए है तो आंसर में भी ए आएगा, क्योंकि 2A फिर सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तो थी हमारी कंडीशंस। अब देखते हैं ए से बात बनती है कि 2A से बात बनती है, पहले सेट करके देख ले रहे हैं, क्या पता ए ही हो है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाँ ए ही है, स्टेशन के बीच की दूरी ए ही है, यहाँ पे 2A ही आएगा, 2A आएगा। ट्राई करके देखते हैं, जैसा भी कंडीशन होगी देखा जाएगा। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा t इक्वल टू होगा t1 + t2, एंड पहला है b अपॉन f एंड t2 है b अपॉन f डैश। तो यहाँ से अगर हम b को मन निकालते हैं 1 अपॉन f + 1 अपॉन f' हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान सकते हैं 3। यही हमको निकालना है, यानी b का वैल्यू अगर मिल जाए तो b का वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दिया जाए। तो b का वैल्यू कैसे मिल सकता है? तो b यानी कि चली गई दूरी, दूरी में कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दूरी में देखिएगा कहाँ पे कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। टोटल दूरी है हमारी, टोटल दूरी कितनी है? ए है, ठीक है। सपोज ये x चला, पहली दूरी x चला, तो ये कितना होगा? a माइनस x होगा, ठीक है। दूसरी जो दूरी होगा वो हो जाएगा a माइनस x। अब a से c के लिए, a से c में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2fs का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अंतिम वेग यहाँ पे v है, प्रारंभ में शून्य था 2, त्वरण f ही है और दूरी हो जाएगी x, ठीक है। तो यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड करना देखेंगे, किस तरह से निकालेंगे, x के टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से हम ये कंडीशन निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर वाई एफ इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर 4 मान लें। अब लेंगे सी से बी में यही फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2fs से अंतिम वेग शून्य, प्रारंभिक वेग b हो जाएगा बी स्क्वायर, रिटार्डेशन f हो जाएगा यानी 2f', दूरी होगा a माइनस का x, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस का x इंटू f'। अब बात आती है कि 2 ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन f' इक्वल टू 2a माइनस का x, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। बी स्क्वायर बाई f' इक्वल टू 2a माइनस का x, ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। अब जो टोटल दूरी थी a, टोटल दूरी a जो टूटी है x प्लस a माइनस x के पार्ट में टूटी है, ठीक है। कुल दूरी a था, उसको एक पार्ट x लिया और दूसरा पार्ट क्या लिया, a माइनस एक्स लिया। अगर 2 से मल्टीप्लाइंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2x प्लस का 2a माइनस x हो जाएगा। ये कंडीशन थी, इसलिए हमको लग रहा था कि शायद वो ना आए, परंतु ये a ही दूरी है, a से ही आ जाएगा, 2a के टर्म में आंसर आएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब क्या करता है, 2x की वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर बाई एक्स, और इसका वैल्यू रखा बी स्क्वायर बाई एफ डैश इक्वल टू 2a। हमको वैल्यू चाहिए b का वैल्यू इसमें पुट करना है टाइम में, यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे, और b का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 3 यानी कि टाइम के इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिएगा फिगर की कोई खास आवश्यकता नहीं रहा है। यहाँ से जो चल रहा है ये 2a इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन f + 1 अपॉन f', एंड तो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो एक तो कंडीशन हो जाएगा बी का वैल्यूज लाना है, वहाँ पे बी है, बी स्क्वायर नहीं है, तो 2a अपॉन 1 अपॉन f + 1 अपॉन f' इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। देन बी इक्वल टू अंडर रूट, बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन f + 1 अपॉन f'। ये हो गया बी, बी का वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 3 में, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बी का मान रखने
पर द पुट द वैल्यूज ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 3, यानी टाइम फाइंडिंग करना है तो टी इक्वल टू है वी वन अपॉन एफ प्लस का वन अपॉन एफ डैश, तो बी का वैल्यू पुट किया अंडर रूट टू ए अपॉन वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन एफ डैश एंड इंटू वन अपॉन एफ प्लस का वन अपॉन एफ वन, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके जो है आंसर जो आना है वही आ जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन अपॉन एफ प्लस का वन अपॉन एफ डैश है, ये एफ वन नहीं है एफ डैश है। तो बस कैलकुलेट करना है, बाकी तो आंसर लगभग आ ही गया है। एफ एफ डैश एंड एफ डैश प्लस का एफ ये अंडर रूट में चल रहा है, तो नेक्स्ट लाइन होगा अंडर रूट ये टू ए एफ प्लस का एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश, यही टाइम आंसर आ रहा था, यानी इतना ही आंसर इसका प्रूफिंग करना है। तो टाइम कितना होगा टी इक्वल टू अंडर रूट टू ए एफ प्लस का एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कण विराम से और एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, यानी कोई कण है विराम से क्यू बराबर जीरो से एक समान त्वरण से त्वरण एफ मान लिया से चलना प्रारंभ करता है, सिद्ध कीजिए कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन वे सेकंड में चली दूरी उन दो दूरियों के योग के बराबर है जो प्रथम एन वे सेकंड और एन प्लस वन वे सेकंड में चली है, ठीक है। यहाँ से मतलब चलना प्रारंभ कर रहा है, ये तो कहा नहीं कितनी दूर चल रहा है कितना नहीं, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना सिद्ध करो कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन वे सेकंड में चली दूरी इक्वल टू एन वे सेकंड तथा एन प्लस वन वे सेकंड में चली दूरी का योग, एन वे सेकंड में चली दूरी प्लस एन प्लस वन वे सेकंड में चली दूरी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहा है एक कण विराम से चलना प्रारंभ करता है विराम से और एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन वे सेकंड में चली गई दूरी एन वे सेकंड में चली गई दूरी और एन प्लस वन वे सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होगी। अब देखते हैं करना क्या है, दूरी ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिएगा फॉर्मूला होता है टी वे सेकंड में चली दूरी टी वे सेकंड में चली दूरी एच टी इक्वल टू यू प्लस का हाफ एफ टू टी माइनस वन, तो ये रख दे रहा हूँ इसलिए ताकि याद रहे फॉर्मूला क्या चल रहा है। अब यहाँ पे जो पोर्शन है टी की जगह ये है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, इनिशियली भी एक यू है ज़ीरो, यानी कि यू प्लस हाफ एफ टू टी माइनस वन टू इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस का वन माइनस वन, ये हो जाएगा टू टी माइनस वन इक्वल टू एन वे सेकंड में चली दूरी यू प्लस का हाफ एफ यू प्लस का हाफ एफ टू टी माइनस वन टू एन माइनस वन ऐसी यू प्लस का हाफ एफ टू टू टी टू एन प्लस का वन माइनस का वन, ठीक है। टाइम की जगह ये हो गया। अब बात आती है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वह विराम से चल रहा है, यानी यू बराबर जीरो पुट कर दिया जाए हाफ एफ टू एन स्क्वायर प्लस का टू एन प्लस टू माइनस वन एंड यहाँ पे भी जीरो प्लस का हाफ एफ टू एन माइनस का वन जीरो प्लस का हाफ एफ टू एन प्लस टू माइनस वन। अब बचता है वन बाई टू एफ कॉमन ले लिया जाए तो टू एन स्क्वायर प्लस का टू एन प्लस का वन इक्वल टू वन बाई टू एफ कॉमन लिया टू एन माइनस का वन प्लस यह हो जाएगा टू एन प्लस वन, ठीक है। अब वन बाई टू एफ से वन बाई टू एफ कैंसिल वन से वन कैंसिल हो गया तो होगा टू एन स्क्वायर प्लस का टू एन प्लस का वन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस टू एन इक्वल टू आना चाहिए इक्वल आना चाहिए था तो Mm-hmm.
सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की होल्डिंग जो है, हमने थोड़ी सी लैंग्वेज में गलत पॉइंट समझ लिया है, इसलिए इसका आंसर सेट नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वल आना था, इक्वल नहीं आ रहा है। 2n² + 2n + 1 इक्वल आना चाहिए था, वही यानी दोनों साइड एक LHS RHS इक्वल आना चाहिए था। तो क्वेश्चन अगर मिलान करते हैं तो क्वेश्चन है, कोई कण विराम से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, सिद्ध कीजिए कि n² + n² में चली दूरी। ये तो सही है, n² + n + 1 में चली गई दूरी उन दो दूरियों के योग के बराबर है जो प्रथम n सेकंड में और n + 1 सेकंड में चली। प्रथम n सेकंड में, यानी कि n सेकंड में चली दूरी, n + n नहीं होगा, और ये भी n + 1 सेकंड में चली दूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है वो टीवे सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा s = ut + ut + ½ ft² ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इधर साइड, क्योंकि यहाँ प्रथम n सेकंड में चली गई दूरी है, n b नहीं है, हमने b समझ लिया, n b समझ लिया, इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था। तो n सेकंड में चली गई दूरी होगा s, यानी कि ut की जगह n है, un + ½ ft² यानी कि n का स्क्वायर। ऐसे ही n + 1 सेकंड में चली दूरी हो जाएगा ut + ½ ft² टी की जगह n + 1 है + ½ f n + 1 का होल स्क्वायर। बट जो u है, u = 0 चल रहा है, इनिशियली से 0 है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, बाकी सब सही रहेगा। 2n² + 2n + 2 - 1 = 0 + ½ f n² बोथ साइड इक्वल आना है, ये u = 0 रखें तो 0 हो जाएगा, ½ f n + 1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि 1/2 f यहाँ चल रहा है, 2n² + 2n + 1 = 1/2 f कॉमन लेंगे तो n² + n + 1 का होल स्क्वायर, 1/2 f से 1/2 f को हट गया, 2n² + 2n + 1 = n² ये होगा n² + 1 + 2n यानी कि 2n² + 2n + 1, तो बोथ साइड इक्वल आ चुका है, यही हमको लाना था, यानी कि n² + n² + n + 1 सेकंड में चली गई दूरी = n सेकंड में चली गई दूरी + n + 1 सेकंड में चली गई दूरी के योग के बराबर है। ये था क्वेश्चन, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई पिंड